चुनाव ने बिहार की सियासी गर्मी बढ़ा दी है। एनडीए के घटक दल जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। वहीं वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कुछ लोग जो है ना निषाद का वोट है ना अपना जागीर समझ रहे हैं, सोच रहे कि एक एमएलसी दे दिए ये वोट हमारा जागीर हो गया। ऐसे लोगों को 10 मार्च को पता चल जाएगा कि निषाद के वोट का क्या ताकत है। आप सोच रहे होंगे कि मुकेश सहनी किसे ताकत दिखाना चाहते हैं। आगे हम और कुछ बताएं, उसके पहले मुकेश सहनी की ये चेतावनी भी सुन लीजिए। उनके पार्टी में बड़े नेता है, वो एक बार बोल के दिखा दे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं बछा में, मुकेश सहनी के बारे में एक बार भी बोल दे तो मैं कल का कल गठबंधन तोड़ लूंगा। अब आप समझ गए होंगे कि मुकेश सहनी की ये चेतावनी बीजेपी के लिए है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बिहार में भी सियासी गर्मी दिख रही है। जेडीयू ने पहले ही दबाव बना रखा है और अब वीआईपी भी पीछे नहीं है। जब लालू जी ने नीतीश जी को कभी छोटा भाई नहीं माना, बोल बोल के, अब ये तेजस्वी को छोटा भाई बोल रहे हैं तो फिर क्या फायदा ये सब करके। ये जहाँ हैं वहाँ रहिए आराम से, और चुनाव लड़ने पे किसी के पाबंदी नहीं है। गठबंधन नहीं हुआ तो हम भी अकेले लड़ेंगे यूपी में, मुकेश सहनी जी भी अकेले लड़ेंगे। अच्छी बात है, ये तो लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसे कि सब खटर पटर से कोई फर्क पड़ने वाला है। देखिए, सवाल पद के चिंता का नहीं है, सवाल साथ रहने का, सागिर्द बन के रहने का है। साथ चलेंगे और खूंटा वहीं गाड़ेंगे ऐसा नहीं होता है। साथ चलने के लिए कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है, विचारों को मिला के चलना पड़ता है, और फिर लोकतंत्र में सबकी अपनी स्वतंत्रता है, आप जो चाहें कर सकते हैं। देखे ना, उनका अंदर की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करके चुनाव वहाँ लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो सीट दिया था। अब माने इनका कहना इस मामले में जायज है कि विधायक उनका था, उसके देहांत के बाद जो है सीट खाली हुई है, तो स्वाभाविक है कि मुकेश सहनी को वो सीट मिलनी चाहिए। अब मुकेश सहनी को ये संदेह हो रहा है किसी नेता के बयान से कि वो सीट उनको नहीं मिलेगी। वीआईपी ने यूपी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी कोई भाव देने को तैयार।